हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। अगर आपको भी वेलवेट के फैब्रिक में सिलाई लगाने में या लेस लगाने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, वेलवेट का कपड़ा जो होता है स्ट्रेचेबल होता है, इसमें सिलाई लगाने पर छेद भी आ जाते हैं और लेस लगाते हैं तो झोल आ जाता है। तो झोल ना आए उसके लिए क्या करें, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से रख लिया, इसे सीधा कर लिया है। ये मेरी सीधी साइड है वेलवेट के कपड़े की और ये जो साइड है ये उल्टी साइड है। तो यहाँ पर मैं सीधी साइड पर लेस लगा रही हूँ। लेस लगाते वक्त आपको आधा इंच का फोल्ड करना है। देखिए कुछ इस तरह से हाफ इंच आपको रॉन्ग साइड यानी कि उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए लेस लगाना है। ये कंगूरे वाली लेस है जो कि बाहर की तरफ रहेगी। अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं तो आपकी लेस में झोल डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और अब दूसरी बात आती है कि नॉर्मल भी आप स्टिच लगा रहे हैं वेलवेट के कपड़े में और आपके यहाँ पर छेद से हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर 11 नंबर की सुई का इस्तेमाल करना है जब भी आप वेलवेट के कपड़े में स्टिच लगा रहे हैं तो। और अगर आपका वेलवेट जो है वो भारी वाला है तो आप 14 नंबर की यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब भी वेलवेट का कपड़ा है तो आपको 11 नंबर की सुई का ही इस्तेमाल करना है। और लेस लगाना है तो आपको इस तरह से हाफ हाफ इंच फोल्ड करते हुए लगाना है, डायरेक्ट लेस को अटैच नहीं करना है, इस बात का मेन आपको ध्यान रखना है और कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।